जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आकांक्षा कुमार, आपकी इंग्लिश मेंटोर, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एआई एक्सपर्ट्स एज डिफेंस द हाउस ऑफ वलर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग यहां पे वोकैबुलरी कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थोड़ा सा इंक्लाइंड है डिफेंस एग्जाम की तरफ, बट बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वोकैबुलरी सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड गाइज, जितने भी सेशन होते हैं आपके यहाँ इस चैनल पे, सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आफ्टर दी क्लास, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और वहां से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट फ्री स्टडी मटीरियल, इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस वोकैबुलरी, मैथ्स क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, एआई एक्सपर्ट्स एज की ऐप जो है वो भी आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो आई होप आप सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दोनों ही चीजें कर लेंगे और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोटिवेटिंग कोट, दैट इज द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। तो जिस चीज को जितनी शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज उतने ही अच्छे से आपको मिलेगी। किसी चीज के लिए अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो जब वो चीज आपको मिलेगी तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी आपके और आपके परिवार के लिए। तो जॉब के लिए इतनी मेहनत करो कि सब बोलें, चार लोग बोलें कि भाई देखो लड़का कितनी पढ़ाई कर रहा है या लड़की कितनी पढ़ाई कर रही है, और जब वो चीज आपको मिल जाए, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स आपको मिल जाए, तो वही चार लोग बोलें कि भाई देखो कितना बढ़िया लड़का है मेहनत करके, या कितनी बढ़िया लड़की है मेहनत करके अपने लक्ष्य को आखिरकार पा ही लिया। सो आइए गाइस, यही शुभकामनाएं दूंगी मैं आपको, यही मोटिवेट करूंगी कि आप कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करते रहिए, परसिस्टेंट रहिए, और क्या करिए, कंटिन्यूअस हार्डवर्क से अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर लीजिए। तो आज हम करने वाले हैं वो कैब क्विज 3 फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्विज 1 और क्विज 2 ऑलरेडी चैनल पे है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल उनको नोटिफिकेशन मिल ही गए होंगे, उनको पता चल ही गया होगा कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो लोग अभी नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्विज 1 और क्विज 2 जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां पे आपके लिए कराए हैं। सो गाइज, इस आज के सेशन में हम लोग 3 पार्ट्स में करने वाले हैं आज का सेशन। 10-10 क्वेश्चन होंगे हर पार्ट में, तो 3 पार्ट्स हैं, 10-10 क्वेश्चंस हैं हर पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट में एंटोनिम और सिनोनिम्स करेंगे, दूसरे पार्ट में ईडियम करेंगे, 10 ईडियम के क्वेश्चन, और तीसरे पार्ट में करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सीडीएस, एफकेट और एनडीए एग्जाम्स के लिए। सो गाइज, हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकेंड्स। सो ध्यान रखिए, आज के क्विज में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको तो प्लीज समझने की कोशिश किया करो। क्लासेस क्यों होती हैं आपकी, क्लासेस इसीलिए होती हैं ना कि आप चीजों को समझो, यहाँ पे आपको चीजें बताई जाएं, पढ़ाई जाएं। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते। भाई एटलीस्ट सेशन को 2 बार देखा करो, जिससे कि आप जितने भी वर्ड्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे वर्ड्स को आप याद कर पाओ, उन सारे वर्ड्स को आप समझ पाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको रिवाइज करो। पीडीएफ मैंने बताया ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट दी सेशन। सो हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्वेश्चंस फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। 30 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ध्यान रखो हर पार्ट में 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स। सो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे करीब 10 क्विज मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर आपने ये 10 के 10 क्विज कर लिए तो समझो वोकैबुलरी का 90% प्रिपरेशन आपकी हो गई, बिकॉज इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतनी बात ध्यान रखो, आई कैन एश्योर यू। सो चलिए, पहला जो हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट जो हमारा सेक्शन होने वाला है, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। आई होप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मीनिंग आपको पता होगा। अ वर्ड हैविंग सेम मीनिंग एज अनदर इज कॉल्ड सिनोनिम, ऐसे आप कर सकते हो, सेम मीनिंग सेम। और एंटोनिम जो है, एंटोनिम इट इज अ वर्ड दैट हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड, तो ए से अलग,
अलग आप याद रख सकते हो, अलग मतलब अपोजिट। तो सिनोनिम के एग्जांपल्स दिए हुए, मैड के लिए एंग्री हो जाएगा, ग्लैड के लिए हैप्पी हो जाएगा, सैड के लिए ग्लूमी इज द सिनोनिम, और स्केयर्ड के लिए अफ्रेड इज द सिनोनिम। वेयर एज हॉट के लिए कोल्ड एंटोनिम होता है, बिग के लिए लिटिल एंटोनिम होता है, अप के लिए डाउन एंटोनिम होता है। सो आइए गाइस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ये यहाँ पे जो बेसिकली आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इन दीज क्वेश्चन आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग, तो मतलब आपसे सिनोनिम पूछ रहा है ये, तो मडल का सिनोनिम बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, मडल का मतलब होता है जो बॉटलनेक्स होते हैं, डिफिकल्टीज जो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, डिसऑर्डर कर देना किसी चीज को, है ना, डिसऑर्डर कर देना, ठीक, डिसऑर्गेनाइज कर देना, डिसऑर्गेनाइज्ड कर देना, ठीक है, डिसऑर्डर कर देना। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता करेक्ट आंसर ऑप्शन, ऑर्डर इसका एंटोनिम है। एनलाइटमेंट नॉलेज प्रोवाइड करना, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी या चैलेंजेस जो होते हैं वो मडलिंग कहलाता है, या किसी चीज को बिगाड़ देना, दैट इज मडलिंग, ओके, जिससे वो समझने में आपके मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, हेयर इज द नेक्स्ट वर्ड प्लॉड। प्लॉड का आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग ढूंढना है, तो चलिए आंसर बताइए क्या होना चाहिए प्लॉड का बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग। तो गाइस सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो प्लॉड का जो मीनिंग होता है ना गाइस, प्लॉड का मीनिंग होता है टू वॉक विद हैवी फुट्स, ओके, टू वॉक विद हैवी फीट, ओके, पैर रगड़ रगड़ के चलना, घिसट घिसट के चलना। सो देखो ब्रीज इज हवा, वॉक लाइटली नहीं हो सकता, टिप्टो मतलब जब आप अपनी टोस पे इस तरीके से चलते हो, दैट इज टिप्टो। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ड्रैग, खींच के ले जाना, रगड़ के ले जाना, ऐसे कहते हैं ना, घिसड़ के ले जाना, सो दैट इज कॉल्ड प्लॉडिंग, ओके। किसी चीज को जबरदस्ती ले जाते हैं, जब जैसे कभी आपने देखा होगा जानवरों में लीश बांधी जाती है जो पट्टा होता है, और कभी कभार होता है जानवर नहीं जाना चाहता, जैसे हमारे यहाँ डॉग है, तो जब हम उसे इवनिंग में वॉक पे ले जाते हैं तो वो क्या करता है ना, वो जाने से, अंदर जाने से मना कर देता है, बिकॉज ही लाइक दैट बाहर वाला एनवायरमेंट, घूमना फिरना। सो क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती कई बार ले जाना पड़ता है अंदर, बिकॉज आप बाहर नहीं रख सकते ना पूरे दिन, सो दैट इज ड्रैगिंग, उसको जबरदस्ती ले जाना, किसी चीज को जबरदस्ती खींच के ले जाना, या टू वॉक विद हैवी फीट। तो जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं होता है या कॉलेज जाने का मन नहीं होता है, तो आप अपने पैरों को प्लॉट कर करके जाते हो, धीरे धीरे कर करके। चलो डेमनर इज दी वर्ड, ओके, डेमनर इज दी वर्ड, आपको इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग ढूंढना है। बहुत प्यारा वर्ड है डेमनर, ठीक है, डेमनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। तो चलो बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन। डेमोर, डेमोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वो लोग होते हैं डेमोर जो लोग मॉडेस्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, कम बात करते हैं, और क्या होते हैं, शाय होते हैं, ठीक है। समबडी हु इज शाय इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड डेमोर, ठीक है। सो अब देखो आउटगोइंग नहीं हो सकता, आउटगोइंग कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, जो लोगों से बहुत अच्छे से बात बात कर लेते हैं। स्ट्रांग नहीं हो सकता, बोल्ड और आउटगोइंग दोनों सिनोनिम्स हैं, द करेक्ट आंसर ऑप्शन है सोबर। सोबर वो लोग होते हैं जो सिंपल होते हैं, सोबर वो लोग होते हैं जो कैंडिड होते हैं, कम बात करते हैं, अपने आप में रहते हैं, या जब जरूरत होती है तभी जवाब देते हैं। तो पीपल हु आर सोबर आर डेमोर, ओके। चलो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर क्लियर है तो प्लीज गाइज एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन सारे आपको मिल पाए। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगेन देखो सिनोनिम ढूंढना होगा क्योंकि पांच सिनोनिम और पांच एंटोनिम के क्वेश्चन है। अगेन देखो यू नीड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग। तो एक्सर्बरेंट, एक्सर्बरेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है जोवियल, एक वर्ड यूज होता है जीलस। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो एक्सर्बरेंट के लिए सिनोनिम आपको ढूंढना है, ठीक है। समबडी हु इज एनर्जेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्बरेंट, ठीक है। विगरस जो होते हैं वो भी, विगरस इज समवॉट अ नेगेटिव वर्ड बट हाँ यूज किया जा सकता है। समबडी हु इज एंथुसियास्टिक इज ऑल्सो नोन एज
एग्जूबरेंट, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो एक्साइटेड होते हैं वो भी एग्जूबरेंट कहलाते हैं। सो देखो, डिप्रेस्ड और अनएक्साइटेड सिनोनिम्स हैं, और इवन लाइवलेस भी आपस में सिनोनिम है। डल के लिए, ग्लूमी के लिए यूज होता है गाइज, ये ध्यान रखो। इट इज यूज फॉर डल एंड ग्लूमी। ओके, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ईगर। ईगर मतलब उत्साहित, ईगर मतलब कीन, कीन ऑन समथिंग, समबडी हु इज एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग और समबडी, दैट इज नोन एज एग्जूबरेंट। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। द वर्ड इज कल्पेबल। ओके गाइज, द वर्ड इज कल्पेबल, है ना। बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग ढूंढना है आपको इसका, कल्पेबल का। कल्पेबल वो होते हैं जो ब्लेम्ड होते हैं। वन हु कैन बी ब्लेम्ड और क्रिमिनेटेड। ये वाला क्रिमिनेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्रिमिनेटेड है, स्पेलिंग देखो, क्राइम से बनी हुई है, ठीक है। तो क्रिमिनेटेड मतलब जिनको, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है, ब्लेम किया जा सकता है ना। तो कल्पेबल इज अक्यूज्ड। ओके, अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। तो राइट, इनोसेंट और ब्लेमलेस नहीं हो सकता, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज गिल्टी। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कल्पेबल, याद करिएगा, कई बार आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलेगा आगे जब आप सर्विस में जाओगे। तो चलो, लेट्स मूव अहेड गाइज। ये है नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग कर रहे हैं मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग, मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग, या फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटोनिम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो असॉल्ट का यू नीड टू टेल मी द अपोजिट। तो असॉल्ट इज अटैक। ओके, असॉल्ट इज अटैक। अटैक का अपोजिट क्या होगा, बताओ जी, अटैक का अपोजिट क्या होगा? तो अटैक करना, ठीक है, दैट इज असॉल्टिंग, है ना, अटैक इज असॉल्टिंग। चलो आप इसका अपोजिट बताइए क्या होना चाहिए जल्दी से। तो देखो, अटैक के सिनोनिम क्या हो सकते हैं, लेम्बास्ट भी हो सकता है इसका सिनोनिम, ठीक है। इसका सिनोनिम पाउंच भी हो सकता है, जैसे छपट्टा मारता है ना शेर वेर, तो वो अटैकिंग होता है, ठीक है। असॉल्ट का मतलब सिनोनिम ऑनस्लॉट भी हो सकता है किसी पे, बेसिकली आप क्या करते हो, हमला कर देते हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। स्ट्राइक तो इसका सिनोनिम है ही, ठीक है, स्ट्राइक तो इसका सिनोनिम है ही। ऑफेंड करना मतलब इंसल्ट कर देना, ठीक है, इंसल्टिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एग्री भी नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कर लेना, अपने आप को बचा लेना, दैट इज कॉल्ड वॉट, दैट इज कॉल्ड दैट इज द अपोजिट ऑफ अटैक। ओके, तो ये वर्ड लेम्बास्ट और पाउंड जरूर याद कर लीजिएगा, ये वर्ड लेम्बास्ट और पाउंड जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइज, लेट अस मूव अहेड। ओके, सो भाई, टू प्रोटेक्ट और टू सेफ गार्ड भी हो सकता है इसका मीनिंग। ओके, सेफ गार्ड भी हो सकता है, बचाना, ठीक है, किसी से बचाना, दैट इज, एक मिनट जरा सेफ गार्ड की स्पेलिंग ठीक कर दूं। तो किसी से बचा के रखना किसी को, दैट इज ऑल्सो द बेसिकली इट, सेफ गार्डिंग इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ डिफेंड। डिफेंड का सिनोनिम हो सकता है या प्रिजर्व भी हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम केस में, बट प्रिजर्व किसी चीज को बचा के रखने को प्रिजर्व बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज शैलो। शैलो का मतलब होता है वो चीजें जो कम डीप होती हैं, चीजें जो कम डीप होती हैं, सतही जो चीजें होती हैं, ठीक है। शैलो इज सतही, कम डीप जो होती हैं, कम डीप, नॉट डीप इनफ। ओके, जो ग्लाइब होती हैं, ऊपर ऊपर से होती हैं, ठीक है, या वो चीजें जो फेसाइल होती हैं, मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। चलो आंसर बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से देखो। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है, बाहरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है। डीप का मतलब इसका एंटोनिम हो सकता है। सुपरफिशियल मतलब अगेन सतही, ऊपर ऊपर से जो होता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, यस, इट शुड बी डीप। क्या हो जाएगा, इट शुड बी डीप। डीप इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कलॉसल, कलॉसल का अपोजिट बताना है, कलॉसल का अपोजिट बताना है। सो गाइस, कलॉसल इज समथिंग विच इज ह्यूज, समथिंग विच इज इमेंस, बड़ी जो चीजें होती हैं, ठीक है। कलॉसल इज समथिंग विच इज ह्यूज, कलॉसल इज समथिंग विच इज एनोनमस, ठीक है, बड़ा जो चीजें होती हैं, गिगनेटिक, समथिंग विच इज वास्ट, समथिंग विच इज मैसिव, ठीक है।
आपको इसका अपोजिट ढूंढना है यानी एंटोनिम ढूंढना है. तो चलिए, व्हाट कैन बी द एंटोनिम फॉर द सेम, जल्दी से बताओ व्हाट कैन बी द एंटोनिम गाइज. सो देखो, वास सिनोनिम हो गया, कंसिडरेबल इज समथिंग विच इज नोटिसेबल. सो ये भी क्लॉसल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. काउंटेबल कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन. येस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज मिनिमल. मिनिमल इज समथिंग विच इज, देखो मिनी से रिलेटेड है. मिनी जो होती है वो चीजें होती हैं जो बहुत कम होती हैं. समथिंग विच इज मीगर, कम, टाइनी. ओके, टाइनी के लिए यूज होता है, पॉसिटी के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा. इट इज यूज फॉर पॉसिटी, कमी किसी चीज की. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का आपको अपोजिट ढूंढना है. एडवर्सिटी इज चैलेंजेस, डिफिकल्टीज. ओके, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज. चलो आंसर बताओ क्या होना चाहिए. अपोजिट ढूंढना है गाइस. अपोजिट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द अपोजिट ऑफ द सेम. ओके, अपोजिट ढूंढना है, ठीक है. एडवर्सिटी का अपोजिट ढूंढना है आपको. तो गाइज, जब इल लक होता है, जब लक नहीं होता है, ठीक है, मिस फॉर्च्यून इज द करेक्ट वर्ड. ठीक है, मिस फॉर्च्यून इज द करेक्ट वर्ड, दैट इज एडवर्सिटी. बैड लक, इल लक, ट्रबल, चैलेंजेस, हार्डशिप, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. सो गाइज आंसर देखो, कैजुअलिटी और कैलामिटी भी एडवर्सिटी होती है. कैजुअलिटी जब कोई ह्यूमन किसी मैन मेड तरीके से मरता है, और कैलामिटी जब कोई नेचर के द्वारा कोई मरता है. मिसफॉर्च्यून इसका सिनोनिम आंसर वुड बी प्रोस्पैरिटी. प्रोस्पैरिटी इज हैप्पीनेस. प्रोस्पैरिटी इज हैप्पीनेस. ओके गाइज, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथुजियाज्म का अपोजिट लिखना है. एंथुजियाज्म इज बींग कीन, बींग एनर्जेटिक अबाउट समथिंग. ठीक है, बींग एनर्जेटिक अबाउट समथिंग, बींग ईगर अबाउट समथिंग, बींग एक्साइटेड अबाउट समथिंग. सो आपको यहाँ पे यू नीड टू टेल मी द करेक्ट आंसर ऑप्शन. व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर समथिंग, यू आर एंथुजियाज्म, यू हैव दैट एनर्जी, यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, दैट इज कॉल्ड बींग एंथुजियास्टिक. अब देखो, फर्वर इसका सिनोनिम है, ये आंसर नहीं हो सकता. जील इसका सिनोनिम है, ये आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, ये अब देखो, नर्वस बचता है. नर्वसनेस इज एंग्जाइटी. ओके, एंग्जाइटी की स्पेलिंग मैं ठीक कर देती हूँ. ठीक है, सो हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज. हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन और करेंगे ईडियम्स के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के. तो भाई एंग्जाइटी होता है ना, नर्वसनेस. अपैथी इज लैक ऑफ इंटरेस्ट. ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट. जबकि एंथुजियाज्म क्या होता है, शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज एंथुजियाज्म. सो ऑल्दो नर्वस भी आंसर हो सकता था, बट अपैथी इज अ बेटर आंसर टू गो विद, बिकॉज उसने पूछा है मोस्ट अपोजिट या मोस्ट फारदेस्ट इन मीनिंग. फारदेस्ट इन मीनिंग पूछा है. तो चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा गाइस. सब लोगों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए. तो एक बार जल्दी जल्दी गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना. चलिए आगे चलते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास. हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है ईडियम्स. ओके, ईडियम्स, ईडियम्स होते हैं मुहावरे. सो ध्यान रखो, ईडियम्स जो होते हैं उनके, ईडियम्स जो होते हैं उनके फिक्स्ड मीनिंग होते हैं. ठीक है, फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, और ये स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज होते हैं. हर एक सिचुएशन में ईडियम यूज नहीं हो सकता है. ठीक है, इसको मैं स्पेसिफिक की स्पेलिंग भी यूज सही कर देती हूँ, है ना. स्पेसिफिक सिचुएशन या सिचुएशंस में ही यूज होते हैं. जैसे अगर वो बोल रहा है कि हाई स्पिरिट्स, ठीक है, इफ ही सेइंग दैट हाई स्पिरिट्स, सो माय ग्रैंडफादर डाइड एंड आई वाज इन हाई स्पिरिट्स, तो ये गलत होगा, क्योंकि हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है बीइंग हैप्पी, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, बट मैं ये बोलूंगा आई गॉट प्रमोशन टुडे एंड आई वाज इन द हाई स्पिरिट्स, बिल्कुल बोल सकते हैं. तो गाइज आप ध्यान रखो, यहाँ पे हर कोई idiom हर जगह नहीं लगेगा. फिक्स मीनिंग होंगे या मीनिंग्स हो सकते हैं, और ये स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज होंगे. और ध्यान रखो, एक idiom के मल्टीपल मीनिंग बहुत कम मिलेंगे आपको, बट मल्टीपल idioms के एक मीनिंग आपको मिल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, 10 अ पेनी हमारे पास एक idiom होता है, और एक idiom होता है अ डाइम अ डजन. ठीक है, दोनों का मतलब होता है अ डाइम अ डजन. दोनों का ये मतलब होता है वो चीजें जो बहुत चीप होती हैं. एक पेनी में, एक पेनी में कितनी चीजें आए, 10 चीजें आए. एक पेनी इज अबाउट
1 रुपी, ठीक है, और एक डाइम जो होता है वो 10 पैसा होता है। तो वो चीजें जो बहुत ही कॉमन होती हैं, वो चीजें जो बहुत ही चीप होती हैं, वो चीजें बहुत ही जो लो क्वालिटी में होती हैं, उस चीजों को हम क्या बोलते हैं, डाइम अ डजन और 10 पेनी। ओके, क्लियर है क्या करना है? चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, कैन आई हेल्प, कैन यू हेल्प मी, श्योर आई विल बी फिनिश्ड विद दिस वर्क इन अ सेकेंड। तो मैं अपना ये काम खत्म कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। सो लेट मी फिनिश अप दिस वर्क, देन आई विल बी हेल्पिंग यू अप। तो भाई फिनिश करने के लिए सेटिस्फाइड यूज नहीं हो सकता, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड हो जाएगा, अब थॉरो यूज होना चाहिए, थ्रू होना चाहिए। लेट मी बी थ्रू दिस वर्क, लेट मी बी थॉरो विद दिस वर्ड। बी थॉरो इज ध्यान से पढ़ना, टू रीड केयरफुली एंड कीनली, ओके, दैट इज थॉरो, ठीक है। जब टू रीड और टू स्टडी और टू एग्जामिन समथिंग, ठीक है, टू रीड और टू स्टडी और टू एग्जामिन, टू रीड और एग्जामिन, एग्जामिन समथिंग कीनली, है ना, कीनली, किसी चीज को बहुत कीन तरीके से एग्जाम करना। आंसर क्या होगा? बी थ्रू, बी थ्रू इज टू एंड समथिंग, किसी चीज के एंड पे, टू एंड समथिंग, ठीक है, क्लियर है। थॉरो मतलब जैसे आई एम थॉरो विद दी सिलेबस, मुझे सब पढ़ लिया है, मुझे सब आता है, ठीक है। थ्रू मतलब मैंने खत्म कर लिया, आई एम थ्रू विद माई सिलेबस, मैंने अपना सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, ठीक है, क्लियर गाइस, क्लियर। एक बार जल्दी से यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, एंड गाइस जो अभी जुड़े हैं, वेलकम एवरीवन, जय हिंद जय भारत, ठीक है। एक बार जल्दी 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 सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, आई हैव अ फीलिंग इन माय गट दैट माय हस्बैंड इज चीटिंग, हर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन हर। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक भी कर देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ झाला हो रखा है इसमें। सो आई हैव दिस फीलिंग इन माई गट, मेरे को ये गट फीलिंग है, तो गट फीलिंग भी एक फ्रेज होता है, ठीक है, मेरे को ये गट फीलिंग है, ओके, कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। सो गट फीलिंग या फीलिंग इन माई गट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। तो मुझे क्या हो रहा है, ये इंट्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, स्लाइट हिंट है ना, आई हैव दिस गट फीलिंग, लॉट ऑफ प्रूफ नहीं हो सकता, स्ट्रांग फियर नहीं हो सकता, या तो स्लाइट हिंट होना चाहिए या फिर स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होना चाहिए। तो देखो भाई दोनों में से कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, जल्दी से देखो, जल्दी से। सो क्या कह रहा है वो, मुझे एक गट फीलिंग हो रही है, ठीक है, मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है, मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है, मेरे को ये इंस्टिंक्ट हो रही है। सो स्ट्रांग इंस्टिंक्ट, जब आप किसी चीज के लिए स्ट्रांग फीलिंग फील करते हो, दैट इज गट फीलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, अब इसका तो मीनिंग आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तभी आप इसका मीनिंग बता पाओगे, अदरवाइज इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आउट ऑफ सॉर्ट, बताइए आउट ऑफ सॉर्ट्स। सो ये लर्न कर लीजिएगा ये idiom, इट इज इंपॉर्टेंट, ओके गाइज, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये idiom याद ही रहे, आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ सॉर्ट्स, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो एक और होता है ना, एक idiom होता है अंडर द वेदर, तो ये उसी का ही synonymous idiom है। तो when somebody is not well, when somebody is ill, ठीक है, when somebody is sick, that is out of sorts or feeling under the weather or under being under the weather। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, ऑल ग्रीक टू मी, ये idiom बहुत इंपॉर्टेंट idiom है और ये मेरा फेवरेट भी है और मेरे दिल के बहुत पास है ये idiom, क्यों वो भी मैं बता देती हूँ। जब मैंने idioms खुद ने पढ़ने शुरू करे थे ना, तो दिस वॉज वन ऑफ दी idioms जो मैंने सबसे पहले लर्न किया था, ठीक है ना, ये एक ऐसा idiom था जो मैंने सबसे पहले लर्न किया था, है ना, ऑल ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट idiom है। तो देखो भाई आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से, है ना, ऑल ग्रीक टू मी, जैसे हम तो इंडियंस है ना, हमें हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है, ठीक है, सो इफ समबडी विल टॉक इन ग्रीक लैंग्वेज, तो वो क्या होगी, जो चीजें इनकॉम्प्रीहेंसिबल होती हैं, समथिंग्स विच आर इनकॉम्प्रीहेंसिबल इज नोन एज ऑल ग्रीक टू मी, ओके, ऑल ग्रीक टू मी। द न्यू पर्सन इन अ ग्रुप गेट्स द मोस्ट अटेंशन, नो, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, से दैट वन डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, ठीक है, एवरीथिंग इज
न्यू व्हेन वन इज इन अ न्यू कंट्री. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? यस इट शुड बी सी. डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन. तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो चीजें होंगी दैट विल बी ऑल ग्रीक टू मी. जो हमारी समझ से बाहर हो, जो हमें समझ में ना आए, दैट थिंग्स आर ऑल ग्रीक टू मी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वैक्स्ड क्वेश्चन. ठीक है भाई, फ्यूचर ऑफ कश्मीर, ऑल दो बहुत सारी चीजें हो गई हैं कश्मीर में, बट तब भी कश्मीर का जो फ्यूचर है, ठीक है, कश्मीर का जो फ्यूचर है वो अभी भी क्या है? अधर में है. ठीक है, कश्मीर का जो फ्यूचर है वो अभी भी कहीं ना कहीं अधर में है. ठीक है, सो देखो वैक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं. ठीक है, वैक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं गाइस. तो आंसर बताओ क्या होना चाहिए जल्दी से. व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम वैक्स क्वेश्चन. ठीक है, तो वैक्स क्वेश्चन देखो अधर में है, गुस्से में है, मतलब कुछ भी हो सकता है. जो भी अच्छा आंसर ऑप्शन है चूज करिए यहाँ पे. ठीक है, अच्छा आंसर ऑप्शन जो भी है वो चूज करिए. चलिए, सो इट इज इन द मिडल ऑफ समथिंग, मतलब इट इज डिलेमैटिक, इट इज इन डिलेमा, डिलेमा में है. ठीक है, इट इज इन डिलेमा. ओके गाइस, तो देखो क्या होना चाहिए. तो कश्मीर की बात जब भी आती है तो क्या हो जाता है, कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं, ना ही इम्पोर्टेंट, मतलब वैक्स्ड कैन नॉट बी रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट. इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल कि भाई कश्मीर में क्या होगा, हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्सी रहती है. ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन, इट इज इन अ वेरी डायलेमेटिक सिचुएशन. तो याद कर लीजिएगा इसको. चलिए नेक्स्ट देखो, अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन. तो गोल्डन हमेशा ध्यान रखो अच्छी चीजों के लिए यूज होता है. गोल्डन इज अ कलर विच इज यूज फॉर गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, ईजी थिंग्स, है ना, उनके लिए यूज होता है. अ मीन मतलब क्या होगा, रिसोर्स होगा किसी चीज के लिए, रिसोर्स, है ना, किसी चीज के लिए साधन, है ना, जो कोई चीज कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे. अ गोल्डन मीन, जैसे getting a 20 lakh, he demanded 25 lakh, but the company offered him 20 initially, but after that company offered him 22 lakh, that was a golden mean between both of them. ठीक है, between both of them. So देखो golden mean या तो comfortable और easy work हो सकता है या middle course between two extreme. अब इसको याद करिएगा. ठीक है, इस idiom को याद कर लीजिएगा कि क्या होना चाहिए. A golden mean is something that solves a problematic situation. A way to solve a challenging situation or problematic situation. ठीक है, एक ऐसा calm way जिससे एक problematic या challenging situation solve हो जाए. तो middle course, एक ऐसा middle course जहां पे mutual benefit के साथ दो या दो से ज्यादा जो भी एक्सट्रीम है उनके बीच में सुलह करवा दी जाए, उनके बीच में सुलह करवा दी जाए. तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो गाइज, हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज बेस्ड ऑन idiom. सो देखो, आई हैव क्लीन हैंड्स सो वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनी वन. मेरे, मैंने कुछ गलत नहीं करा है. ठीक है, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, डन नथिंग रॉन्ग. क्लीन हैंड का मतलब होता है कि भाई कोई भी कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने, तो मैं किसी से क्यों अफ्रेड हूँ. सो मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा है, कोई इलीगल काम नहीं करा है, कोई इमोरल काम नहीं करा है. कहते हैं ना, आई एम क्लीन, मैं क्लीन हूँ, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं करा. तो क्लीन, क्लीन हैंड्स बोल रहा है. तो ऑल दो मतलब क्लीन हैंड्स इज हाइजीनिक, बट यहाँ पे ये मीनिंग नहीं होगा इस idiom का. ठीक है, फॉल्टी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट है. ब्यूटिफुल इज नो मैच, इट इज आउट ऑफ स्कोप, है ना. सो आंसर क्या होगा, इनोसेंट. ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी क्राइम, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग रॉन्ग. ओके, तो समबडी हु इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग रॉन्ग इज नोन एज विद द क्लीन हैंड्स. ओके, क्लीन हैंड्स. चलो नेक्स्ट देखो, आनंद इज अ नाइस गाय बट समटाइम ही रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स. ठीक है, आनंद बहुत अच्छा आदमी है बट कभी कभी वो क्या करता है मेरे नर्व्स पे, मतलब ही गेट्स ऑन माई नर्व्स. ओके, सो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें दिखाई दें. ही गेट्स ऑन माई नर्व्स, आनंद अच्छा अच्छा आदमी है बट कभी कभी वो मेरा दिमाग खराब कर देता है. ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी वो मेरा दिमाग खराब कर देता है. कुछ लोग अच्छे होते हैं बट कभी कभी क्या करते हैं, इरिटेट कर देते हैं. गेट्स ऑन माई नर्व इज टू इरिटेट. ओके, इरिटेट, गुस्सा दिला देते हैं, है ना, गुस्सा दिला देते हैं. तो करेक्ट आंसर देखो गाइस क्या होना चाहिए. व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम
मेक मी नर्वस नहीं हो सकता, शेक्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, अनॉय मी हो सकता है, मेक मी अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बट अनॉय मी इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि वो इरिटेट कर देता है मुझे. ही इज अ नाइस गाय बट ही समटाइम गेट्स ऑन माई नर्व, जब मैं बहुत गुस्सा झिलझिला जाता हूँ उससे. ओके चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का. अभी हमारे इसके बाद मतलब 9-10 के बाद 10 क्वेश्चन और हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे. एज अ स्टूडेंट यू शुड कैच टाइम बाय फॉर लॉक. तो बोला जाता है ना स्टूडेंट्स को कि भाई सही टाइम पे पढ़ाई कर लो वरना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा. बिकॉज क्या होता है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें सब में एक एज है. डिफेंस एग्जाम में तो स्पेसिफिकली एक एज होती है, उसी एज में ही आपको नौकरी मिल सकती है. वंस दैट एज एंड टाइम इज गॉन तो उसके बाद नौकरी इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. सो कैच द टाइम बाय फॉर लॉक इज टू कैच द अपॉर्चुनिटी और टू अवेल द अपॉर्चुनिटी. ओके अवेल द चांस, अवेल द गोल्डन चांस. ओके अवेल द गोल्डन चांस, जो भी आपके पास चांस है उसको अवेल कर लीजिए. स्पीड अप सेट अप क्लॉक बैक, स्लो डाउन नहीं हो सकता, सीज अपॉर्चुनिटी होगा. ओके इट शुड बी सीज अपॉर्चुनिटी. चलो सीज का मतलब बंद कर लेना, अपॉर्चुनिटी को बंद कर लेना. अगेन देखो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. ओके रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वॉज अ शॉट इन दी आर्म फॉर हिम. ठीक है उसको अवार्ड मिला है, पहला अवार्ड मिला है. पहला अवार्ड मिलता है तो आदमी बहुत खुश हो जाता है. ठीक है पहला अवार्ड मिलता है तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी बहुत मोटिवेट हो जाता है. तो इट इज अ कॉज ऑफ मोटिवेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो गाइज आंसर देखो आपके सामने ही है. डन समथिंग डन विद पर्पस नहीं हो सकता, समथिंग दैट नीड्स अटेंशन नहीं हो सकता, समथिंग दैट इज पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है. समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. आई होप दिस ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर. अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम से मिल पाए. सो गाइज जल्दी जल्दी सेशन को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर सब चीज समझ में आ गई है सो एक बार जल्दी से येस लिखो सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो जल्दी से सेशन को शेयर करो, लाइक करो और येस लिखो भाई अगर समझ में आ रहा है तो. सो गाइज आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट जिसमें हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. क्या होगा इस तरीके से आपको दिया जाएगा एक फ्रेज, जैसे अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल इज कॉल्ड ब्रूट, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन हिडन इन अ सीक्रेट सीक्रेट प्लेस इज कैश, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल ट्रैवलिंग टूगेदर इज कारवान, a close political meeting is caucus, a exclusive circle of people with common purpose is cliche. ठीक है common purpose is cliche या coterie भी एक word होता है जिसको हम बोलते हैं. सो अगेन गाइज 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन. ठीक है इन ऑप्शन को भी आप समझिएगा बिकॉज ये ऑप्शन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है अगेन हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड मिलेगा. जो क्वेश्चन आते हैं वेल एंड फाइन, जो नहीं आते हैं वो आप सेशन को दो बार देख के रिवाइज कर सकते हैं. उसके अलावा आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वहां से पीडीएफ विद एनोटेशन जो सब मैं लिख रही हूँ उसके साथ आपको पीडीएफ वहां से मिलती है. सो आइए हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज. ये देखो क्या कह रहा है, मेजर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमोस्फियरिक प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमोस्फियरिक प्रेशर इज नोन एज व्हाट. क्या कहते हैं उसको, is known as what. तो भाई देखो instrument to measure atmospheric pressure. अब देखो compass direction बताता है, ठीक है ना, pedometer steps बताता है, ठीक है, metronome जो होता है वो क्या होता है, musicians के लिए use होता है, ठीक है, to mark time musicians के लिए use होता है, musician यूज देम टू मार्क टाइम कि कब मॉड्यूलेशन करनी है, कब कौन सा सुर लगाना है ना, टू मार्क टाइम. ठीक है आंसर इज बैरोमीटर. इट इज इम्पॉर्टेंट और ये पता भी होगा आप में से सब लोगों को. चलिए आगे चलते हैं गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट एंड
अनलॉफुल वे। तो प्रोवोक कर देना इसका एक सिनोनिम होता है, अराउज कर देना इसका एक सिनोनिम होता है, टू अराउज समबडी, है ना, कि भाई आपने किसी को प्रोवोक किया, अराउज किया कि वो गलत काम करे, इलीगल काम करे, है ना। तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से बताओ। चलो, साइकी इज वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, दैट इज साइकी, ठीक है। सॉलिसिट इज टू हेल्प और टू सपोर्ट समबडी, ठीक है। टॉन्ट का मतलब ताने होता है, तो पता ही होगा, टीजिंग रिमार्क्स जो होते हैं, ताना, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज इनसाइट, किसी को भड़काना, दैट इज कॉल्ड इनसाइटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई, ठीक है। तो चलो भाई बताओ, कान में से जो ऐसे बहुत तेज लगती है ना, दैट थिंग, ठीक है, दैट थिंग, लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। वैसे तो देखो सारे ही वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग क्राई ही होता है, चिल्लाना ही होता है, बट बहुत एक्सट्रीम तरीके का चिल्लाना, ठीक है। अब देखो, नॉइज तो हो नहीं सकता, क्राई का मतलब रोना भी होता है, ठीक है, और हाउल का मतलब हुकना होता है। जनरली क्या करते हैं भाई, जो लॉन्ग साउंड होती है ना, लॉन्ग साउंड, जैसे भेड़िए कुत्ते वगैरह करते हैं, वो हाउल होता है। बट पियर्सिंग साउंड, कान को चीर देने वाली साउंड, इज स्क्रीच, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज स्क्रीच। चलिए फोर्थ क्वेश्चन गाइस, टू बी फेमस फॉर बैड एक्ट, है ना, टू बी फेमस फॉर बैड एक्ट, आपको बताना है इसके लिए क्या होना चाहिए वर्ड। तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको बदनाम, ठीक है, बदनाम, या एक और वर्ड होता है इसके लिए इनफेमस या इनफेमी भी यूज होता है, इनफेमस या इनफेमी भी यूज होता है, बदनामी इज इनफेमी, ओके, बदनामी इज इनफेमी। सो देखो भाई आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से देखो, व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। चलो, तो देखो फेमस नहीं हो सकता, ठीक है, इल फेम्ड इसका आंसर हो सकता है भाई, इल फेम्ड इसका आंसर हो सकता है, जिसकी रेपुटेशन रेपुटेशन अच्छी ना हो, ठीक है, जो नोटोरियस हो उसके लिए हो सकता है। तो वैसे तो इनफेमी इज दी वर्ड, और इल फेम्ड भी हो सकता है इसके लिए इसका आंसर। क्रिमिनल तो अपराधी होते हैं, टेररिस्ट आतंकवादी, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज नोटोरियस, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग बताओ भाई क्या होते हैं सिमिलर मीनिंग। ये तो ईजी है भाई, ये तो आप कर सकते हो, ये तो ईजी है, आप कर सकते हो, जल्दी से बताओ। सिमिलर मीनिंग यार अभी करके आए हैं, देखो एंटोनिम्स आर फार्देस्ट और अपोजिट इन मीनिंग होते हैं, ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग होते हैं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, यस, ऑल ऑफ यू वेरी नाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सिनोनिम। तो गाइस पांच लास्ट क्वेश्चंस और बचे हैं, इसके बाद जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना। सिमिलर प्रोनंसिएशन जिनकी होती है, सिमिलर साउंड जिनकी आती है बोलते हुए, वो होमोनियम्स कहलाते हैं, ठीक है, जैसे कि सीएनसी, ओके, सीएनसी, ओके, ये क्या है, और सन एंड सन, दीज आर होमोनियम्स, ओके। और सुडोनियम्स होते हैं फेक नेम, जैसे अक्षय कुमार का जो असली नाम है दैट इज राजीव भाटिया, बट उनका जो स्क्रीन नेम है दैट इज अक्षय कुमार। ऐसे ही मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग खान था, और उनका जो पेन नेम या फेक नेम या सुडोनियम जो था दैट वॉज मिर्जा गालिब, ओके, जिससे लोगों को याद रहे, है ना, लोग को रिलेट कर पाए। चलिए लास्ट फाइव क्वेश्चंस, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। अब गाइस क्या कह रहा है ये देखो, अब क्या कह रहा है देखो, ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि भाई कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, एटिकेट्स होते हैं आपके, एटिक्वेट्स होते हैं आपके मैनर्स एंड प्रिसीडेंस, मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है, उनको, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज किया जाता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो देखो हायरार्की तो रैंकिंग सिस्टम होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, हायरार्की तो रैंकिंग सिस्टम होता है, है ना। तो अब देखो क्या होना चाहिए, डिप्लोमेसी इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी इज मेंटेनिंग
रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज और मोर कंट्रीज, बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, दैट इज डिप्लोमेसी, और कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखना. ठीक है, अब देखो दो ऑप्शन बचते हैं मेरे पास. एक तो स्टेटमैनशिप होता है, स्टेटमैनशिप होता है स्किल इन मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स. ठीक है, जो बड़े नेता होते हैं, जिन लोगों को लोग मानते हैं, है ना, उन लोगों को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनसे लोग राय लेते हैं. ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनके हिसाब से चीजें चलती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. टू रिनाउंस अ हायर पोजीशन और अथॉरिटी और कंट्रोल. रिनाउंस कर देना मतलब त्याग देना. रिनाउंस का क्या मतलब होता है भाई, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना. सो गाइस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सेशन को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. चलो बताओ जी, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए गाइज, जल्दी से क्या कह रहा है. देखो टू रिनाउंस अ हायर पोजीशन, त्याग देना. ठीक है, त्याग देना हायर पोजीशन को. अबंडेंट, अबंडेंट मतलब अकेला कर देना, अकेला कर देना, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट. अबॉर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, है ना, अबॉर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप और टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देना. एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप कर लेना, किडनैपिंग, दैट इज एबडक्शन, किडनैपिंग. द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज एबडिकेट. एबडिकेट होता है रिलिंक्विश होता है. ठीक है, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं और रिनाउंस तो अपने आप में इसका सिनोनिम है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन गाइस, थर्ड लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना. ठीक है, चलो. नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी. एंट्रीटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट. एंट्रीटी इज हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, कि भाई जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्ली, तो उसके लिए आपने प्ली करी, अपील करी, बट वो चीज क्या हुई, वो चीज क्या हुई, वो चीज क्या नहीं हो पाई, वो चीज बेसिकली उस चीज को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि क्या हुआ भाई, वो चीज इतना ज्यादा बेकार थी, या हम कहें इतना ज्यादा हीनियस क्राइम था कि उसके लिए कोई भी प्ली को कंसिडर नहीं किया गया. तो प्ली को कंसिडर ना करना, दैट इज बेसिकली नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी. रिगोरस इज समथिंग विच इज एनर्जेटिक, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. नेग्लिजेंट इज केयरलेस, ये भी आंसर नहीं हो सकता. अब वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन. तो भाई देखो, डेस्पोटिक वो लोग होते हैं जो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, निरंकुश जो लोग होते हैं जो कोई रूल्स नहीं मानते हैं, अपनी चलाते हैं, स्वेच्छाकारी जो होते हैं, है ना, डिस्पोटिक पावर, रूल, इस तरह की चीजें, है ना. डिस्पोटिक इज हैविंग अनलिमिटेड पावर ओवर पीपल. तो वो डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, क्रूअल फॉर्म में होती है, जैसे हिटलर थी, है ना, हिटलर ने की थी, तो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है ये, इट इज डिक्टेटरशिप. आंसर क्या होगा, एग्जॉनरेबल. एग्जॉनरेबल इज समथिंग विच इज नेग्लिजिएबल, समथिंग विच इज नेग्लेक्टेड, जिसके लिए कोई भी जो केयरलेस हो, केयरलेस नहीं हो, जो मतलब बेसिकली कि किसी चीज पे ध्यान ना देना, दैट इज एग्जॉनरेबल. ठीक है, एग्जॉनरेबल इन एग्जॉनरेबल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप और टू प्रिवेंट, मतलब ये चीज होनी होनी है, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, तो इनएविटेबल जो चीजें होती हैं, इनएविटेबल कि भाई किसी भी रिक्वेस्ट से या किसी भी चीज से, है ना, वो चीज मूव नहीं होगी, वो चीज रुकेगी नहीं. चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया चलो इस पे, क्योंकि अच्छा वर्ड था, चलो. सो गाइज देखो, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्व एज अ सैंपल. तो बायोलैब में रखा होता है, ठीक है, बायोलैब में रखा होता है चीटी, मरी हुई चीटी, चीटी तो नहीं, मरा हुआ कॉकरोच, मरा हुआ मेंढक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं. तो जितने लोग बायोलैब गए होंगे तो उन लोगों सबको पता ही होगा ये सारा चीज, ठीक है, ये सारा चीज उनको पता ही होगा. तो स्पेसिफिकेशन इज डिटेलिंग, डिटेल्स दैट इज स्पेसिफिकेशन, है ना, ट्रेड्स किसी चीज की,
क्वालिटीज़ किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, क्वालिटीज़ या क्वालिटी किसी चीज़ की, ठीक है। स्पेक्टिकल नज़ारा, नज़ारों के लिए यूज़ होता है, जबकि अगर मेरे पास ये वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, चश्मे के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, दैट इज़ स्पेक्टिकल, ओके। और स्पेक्टर क्या होता है, स्पेक्टर होता है कि चेतावनी, वार्निंग, आगे आने वाली, फ्यूचर, वार्निंग अबाउट फ्यूचर इज स्पेक्टर, कि भाई आपको कोई चीज़ दिख रही है कि फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, तो वार्निंग अबाउट फ्यूचर इज नोन एज स्पेक्टर, ओके। स्पेक्टर समथिंग अनप्लीजेंट इज नोन एज स्पेक्टर, तो वार्निंग अबाउट फ्यूचर इज नोन एज स्पेक्टर। सो गाइज, द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज स्पेसीमेन। What is the correct answer option? It is specimen. तो चलिए गाइज, आज का लास्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, के भाई जब ऐसा होता है ना कि जो आपने देखा होगा जब ये कि कोई भी अगर तो बेसिकली रेफरेंडम होता है, एक मैंडेट मतलब जन के, मतलब कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जब पास कराए जाते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, सोवियत यूनियन जब टूटा था ना, तो उसके लिए क्या हुआ था, एक मैंडेट या एक रेफरेंडम लाया गया था पार्लियामेंट में वहाँ की, और फिर लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था, उनसे मत मांगे गए थे। तो बेसिकली मत के लिए कोई चीज़ सामने लाना लोगों के या पार्लियामेंट में या दोनों जो हाउसेज होते हैं उसको, हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी 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 वो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था, तो इट वाज अ रेफरेंडम जिसको दोनों ही हाउसेज में लाया गया और फिर वो मेजॉरिटी से पास हुआ था। सो देखो क्या होता है, मैंने आंसर ही बता दिया तुम लोगों को, प्रैक्टिसिंग ऑफ सबमिटिंग अ पॉपुलर वोट, ठीक है। किसी चीज़ के लिए जब पॉपुलर वोट मांगते हैं तो इलेक्शन नहीं होता है, वो पार्टीज मांगती हैं अपने लिए कि भाई कौन राज करेगा देश पे या कौन चलाएगा देश को, रेफरेंस नहीं हो सकता, पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती, इट इज़ रेफरेंडम, ओके। वॉट इट इज़ रेफरेंडम, ठीक है, क्लियर है गाइज, सब लोगों को क्लियर है गाइज, रेफरेंडम पता चल गया कि सबको क्या है, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे जो भी मैंने पढ़ाए। तो गाइस, सेशन को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है, ऐप डाउनलोड कर लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। एंड गाइज, आप हम मिलेंगे 8 से 9 शाम को, जिसमें हम लोग CAPF के लिए बैच कर रहे हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी क्लासेस आपकी YouTube पे चल रही है, नोट्स आपके आपको WhatsApp पे मिल रहे हैं, और ऐप पे आपको सारे मॉक टेस्ट विद एनालिसिस मिल रहे हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो भी सेशन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से जाके WhatsApp ग्रुप पे ऐड हो जाइए, जिससे नोट्स दे सके हम आपको रेगुलर बेसिस पे, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पे आपको टेस्ट अपडेट्स होते रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही, अभी हम शाम को इवनिंग में फिर दोबारा मिलेंगे अपनी इंग्लिश क्लास के लिए, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं CAPF के, सो वो जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो टेक केयर एवरीवन, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग, एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।